जीत की भूख हो और कुछ पाने की ललक हो तो असंभव काम भी आसानी से किया जा सकता है। यही काम करके दिखाया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। 41 साल के ओलंपिक पदक के सूखे को खत्म करते हुए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से पटखनी देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में हार मिली थी। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद भारत और जर्मनी के पास कांस्य पदक जीतने का मौका था, क्योंकि दोनों टीमें गोल्ड और सिल्वर मेडल की रेस से बाहर हो चुकी थी। इस मौके को भारतीय टीम ने भुनाया और जर्मनी को 5-4 से रोमांचक मैच में मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक की ये लड़ाई बेहद रोमांचक रही। मैच के पहले क्वार्टर में जर्मनी की तरफ से ओरुस त्रिमूर ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत ने बराबरी कर ली। भारत के लिए दूसरे क्वार्टर में सिमरनजीत सिंह ने गोल किया। भारत के बाद दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने भी एक के बाद एक 2 गोल किए और टीम 3-1 से आगे निकल गई। उसके बाद भारत के हार्दिक सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से 2 गोल दागकर भारत को 3-3 से बराबरी करवा दी। दूसरे क्वार्टर के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर था। तीसरे क्वार्टर में भारत ने दमदार शुरुआत की। भारतीय खिलाड़ी जर्मनी खिलाड़ियों पर हावी हो गए। मैच के तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत ने एक के बाद एक गोल किए। इस क्वार्टर में सिमरनजीत सिंह के बाद रुपिंदर पाल सिंह ने गोल दाग कर भारत को 5-3 से बढ़त दिलवा दी। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 5-3 से आगे था। अब खेल के आखिरी 15 मिनटों में यानी चौथे क्वार्टर में जर्मनी की तरफ से एक गोल किया गया। जर्मनी की टीम के लिए विडफेडर ने गोल किया और बढ़त को थोड़ा कम किया। यहां तक कि आखिरी के मिनट में जर्मनी की टीम को पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करने का मौका मिला, लेकिन भारत ने अच्छी तरह से इसे डिफेंड किया और जर्मनी पर 5-4 से जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। इस जीत ने भारतीय हॉकी टीम में एक नई जान फूंक कर ओलंपिक पदकों की भूख और बढ़ा दी है। ऐसे में ये जीत भारतीय हॉकी टीम के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।